नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। प्रदेश में ठंड का कहर बढ़ने लगा है। ऐसे में यातायात के दौरान लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप भी बिहार मौसम की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो बिहार वेदर अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि प्रतिदिन का मौसम अपडेट आपको मिलता रहे। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने 17 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। एनएचआरसी की टीम ने छपरा शराब कांड को लेकर बनाई सवालों की लंबी लिस्ट। बिहार में कोहरे और कनकनी के बीच शीतलहर ने बढ़ाई ठंड। चतुर्थ ऋषि रोड मैप को लेकर नीतीश कुमार का अधिकारियों को निर्देश। दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने बांग्लादेश को 227 रन पर समेटा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने 17 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर के कुल मिलाकर 17 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो कैंडिडेट को बैचलर डिग्री विथ CAIIB DBF, डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव बिजनेस मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, PG डिग्री पास होना चाहिए। इसके साथ ही 8 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जरूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख 28 दिसंबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट bihar.scb.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। राज्य में जल्द शुरू होगी बायो एंड फूड टेस्टिंग लैब। बिहार के खाद्य पदार्थों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जगह मिल जाए, यहाँ के किसानों को अपने राज्य से बायो एंड फूड टेस्टिंग लैब से सर्टिफिकेट मिल पाए, इसके लिए पटना स्थित कृषि भवन में मौजूद बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के अधीन केंद्र सरकार से प्रमाणित बायो एंड फूड टेस्टिंग लैब को स्थापित किया जा रहा है। बता दें कि इसके लिए सभी जरूरी उपकरणों की खरीद शुरू हो गई है। लैब को सभी उपकरणों से लैस करने के बाद इसे पूरी तरह से 3-4 महीनों में तैयार कर लेने की संभावना है। बायो एंड फूड टेस्टिंग लैब तैयार किए जाने के बाद नेशनल एग्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज से मान्यता प्राप्त की जाएगी, जिसके बाद यह लैब पूरी तरह से जैविक उत्पादों को सर्टिफिकेट देने के लिए अधिकृत हो जाएगा। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे ककोलत जलप्रपात के बारे में। ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों से युक्त ककोलत एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी के निकट बसा हुआ एक झरना है। यह झरना बिहार राज्य के नवादा शहर से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोविंदपुर पुलिस स्टेशन के निकट स्थित है। यह जिस पहाड़ी पर बसा है उस पहाड़ी का नाम भी ककोलत है। ककोलत क्षेत्र खूबसूरत दृश्यों से भरा हुआ है, लेकिन इन खूबसूरत दृश्यों में भी सबसे चमकता सितारा यहाँ स्थित ठंडे पानी का झरना है। झरने के नीचे पानी का एक विशाल जलाशय है। ककोलत में एक जलप्रपात है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 160 फुट है। ठंडे पानी का यह झरना बिहार का एक प्रसिद्ध झरना है। इस झरने में 150 से 160 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है। झरने के चारों तरफ जंगल है। यहाँ के दृश्य अद्भुत आकर्षण उत्पन्न करता है। OTT प्लेटफॉर्म पर काम करने को लेकर बिहार के अखिलेंद्र मिश्रा का सामने आया बयान। फेमस अभिनेता क्रूर सिंह अपनी फिल्म 1.5 लाख का दुल्हा का प्रमोशन करने बिहार के पटना पहुंचे, जहां उन्होंने फिल्मों से जुड़ी हुई कई अहम मुद्दों पर अपनी बातों को सामने रखा। इन्हीं मुद्दों में एक मुद्दा यह भी था कि वे OTT प्लेटफॉर्म पर कोई काम क्यों नहीं करते, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि OTT में हमारा डेब्यू नहीं हुआ है, अभी तक उस तरह का रोल नहीं आया जो मैं कर सकूंगा। अगर कुछ अच्छे कंटेंट आते हैं तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मैं गाली नहीं दे सकता, अश्लीलता नहीं कर सकता। मैंने फिल्मों में नहीं की तो OTT में क्या करूंगा। समाज के प्रति भी कलाकार की कोई जिम्मेदारी होती है और उसे मैं बखूबी समझता हूँ। सिर्फ पैसा और नाम कमाना मेरा मकसद नहीं है, मैं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकूं यह भी मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं कुछ भी करके OTT पर नहीं आ सकता।
बीते दिन बोधगया पहुंचे तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा। बीते दिन गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच 10-15 बजे विशेष फ्लाइट से तिब्बतियों के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा गया एयरपोर्ट पर उतरे, जहां उनका स्वागत जिला प्रशासन की ओर से डीएम डॉक्टर एसएम त्यागराजन और एसएसपी हरप्रीत कौर के द्वारा किया गया, जिसके बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच मोनास्ट्री लाया गया। धर्मगुरु को देख श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई और सभी कतारबद्ध तरीके से उनके स्वागत के लिए खड़े रहे। वहीं दलाई लामा ने अपने श्रद्धालुओं का अभिवादन हाथ हिलाकर और अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर किया। हालांकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके मोनास्ट्री तक जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। बिजली कंपनियों के खिलाफ नीतीश सरकार लेगी एक्शन। बिहार के स्कूलों में बिजली को लेकर कोई दिक्कत ना हो और मनमाने तरीके से बिजली को ना काटा जा सके, इसके लिए शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव की ओर से बिजली कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है। शिक्षा विभाग के जारी किए गए निर्देश के अनुसार अगर विद्यालयों की बिजली काटी जाती है तो उसके जिम्मेदार नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंधक निदेशक होंगे। और साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि विद्यालयों के प्रधानों से बिजली मद का शुल्क या अन्य बकाया भी नहीं मांगा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के बिजली बिल को भुगतान करने के लिए कुल 30 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। एनएचआरसी की टीम ने छपरा शराब कांड को लेकर बनाई सवालों की लंबी लिस्ट। बिहार के छपरा जिले में हुए शराब कांड को लेकर एनएचआरसी की टीम जमीनी स्तर से अपनी जांच कर रही है। बता दें कि एनएचआरसी की टीम घूम घूम कर पीड़ित परिवारों से मिल रही है और पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। इस दौरान पूछे जाने वाले सवालों का एनएचआरसी के द्वारा पूरी लिस्ट तैयार किया गया है, जिसमें घटना कैसे हुई, मौत का कारण क्या था, शुरुआत में मरीजों को क्या दिक्कत हुई, इसको दबाने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई दबाव दिया गया था, लोगों को शराब कहां से मिली, मरने से पहले पीड़ितों ने परिजनों से क्या कहा, अस्पताल कब पहुंचाया गया, मरने वाले किस तरह के लोग थे, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, जैसे कई सवाल उस सूची में शामिल है। डीजीपी आरएस भट्टी ने की तेजस्वी यादव से अहम मुलाकात। डीजीपी आरएस भट्टी बिहार के डीजीपी चुने जाने के बाद पहली बार 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी देवी के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की। बता दें कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और डीजीपी आरएस भट्टी के इस मुलाकात को कानून व्यवस्था से जोड़कर काफी अहम माना जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लालू यादव के कार्यकाल के दौरान आरएस भट्टी का किरदार बिहार में अहम था। लालू यादव के द्वारा उन्हें कई अहम व पेचीदा मामलों को सॉल्व करने की जिम्मेदारी दिया जाता था। बताते चले कि लालू यादव के कार्यकाल के दौरान आरएस भट्टी गोपालगंज व कई अन्य जिलों में एसपी रह चुके हैं। बताते चले कि लालू यादव के कार्यकाल के दौरान आरएस भट्टी गोपालगंज व कई अन्य जिलों में एसपी रहे थे। बिहार में कोहरे और कनकनी के बीच शीतलहर ने बढ़ाई ठंड। बिहार में मौसम ने अपना प्रचंड ठंड वाला रूप दिखाना शुरू कर दिया है। शीतलहर की वजह से कनकनी और कपकपी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में चल रही बर्फीली हवा का प्रकोप जारी है, जिसकी वजह से वातावरण में कनकनी महसूस की जा रही है। विभाग की ओर से कहा गया है कि आने वाले एक सप्ताह में मौसम भले साफ रहे, लेकिन सुबह के समय कोहरे का आलम रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अब इस न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव वाले सिलसिले पर विराम लगेगा। लोगों को प्रचंड ठंड का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अगले दो दिनों न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। मशरूम उत्पादन में नंबर वन पर बिहार। पिछले कुछ सालों से बिहार के किसानों की रुचि मशरूम की खेती करने में बढ़ चुकी है और यही वजह है कि आज बिहार मशरूम उत्पादन में नंबर 10 से ऊपर उठकर नंबर 1 पर पहुंच गया है। आज के समय में लगभग हर गांव में मशरूम की खेती होती है। इसके अलावा यहां की मशरूमों का निर्यात सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार ने नंबर 1 बनने का यह सफर करीब 30 सालों में पूरा किया है। वहीं सरकार की ओर से भी उन किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है जो मशरूम की खेती करते हैं। चतुर्थ कृषि रोड मैप को लेकर नीतीश कुमार का अधिकारियों को निर्देश। बीते दिन कृषि सह पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव एन सरवन कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में चतुर्थ कृषि रोड मैप को लेकर अपनी तैयारियों के बारे में जानकारी दी और कहा कि इसकी तैयारियों को लेकर कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सभी अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि चतुर्थ कृषि रोड मैप में कृषि के आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाए, उत्पादों को मार्केट में बढ़ावा देने के साथ साथ उत्पादों की ब्रांडिंग और कृषि बाजार में विकास पर भी योजनाबद्ध तरीके से ध्यान दें, कृषि संबंधित बातों की जानकारी किसानों तक सुगमता पूर्वक उपलब्ध करवाएं, राज्य में बेहतर गुणवत्ता वाली बीज का विकास करवाएं और किसानों को प्रेरित करें। मैट्रिक
मैट्रिक की तैयारी कर रहे बच्चे अब ई लॉट्स का उठा सकते हैं फायदा। मैट्रिक की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए ई लॉट्स काफी मददगार साबित हो रहा है। बता दें कि अब मैट्रिक के परीक्षार्थियों को सुविधा मिल सके इसके लिए बिहार बोर्ड की ओर से ई लॉट्स ऐप पर गाइडलाइन जारी किया गया है और साथ ही 10वीं बोर्ड के सैंपल पेपर भी अपलोड कर दिए गए हैं। यानी कि अब मैट्रिक के परीक्षार्थी इस ऐप की मदद से भी अपनी परीक्षा की तैयारी आसानी से पूरी कर सकते हैं। इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा सभी जिला शिक्षा कार्यालय को पत्र लिखकर जानकारी दी गई है, जिसके बाद संबंधित डीईओ के द्वारा सभी स्कूलों को इसकी जानकारी दे दी गई है और स्कूलों के द्वारा ई लाइब्रेरी का लिंक बच्चों को मुहैया कराया जा रहा है ताकि वे अपनी तैयारी कर सके। बेगूसराय के गंडक नदी पर ठेकेदार अपने खर्च पर दोबारा बनाएगा पुल। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल प्रखंड के आहोक घाट गंडक नदी पर 13 करोड़ की अधिक की लागत से तैयार की गई पुल अपने खराब गुणवत्ता के कारण उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गई थी, जिसके बाद जांच टीम में शामिल उच्च स्तरीय पदाधिकारियों की टीम ने इसका जिम्मेदार मेसर्स भगवती कंस्ट्रक्शन के संवेदक अंजनी सिंह और इससे संबंधित 10 इंजीनियर को माना है। वहीं अब टीम ने कार्यालय अभिलेख का हवाला देते हुए कहा कि संवेदक अपने गलत तरीके से किए गए कार्य को गिराकर अपने पैसे से दोबारा इस पुल का निर्माण करवाएंगे और साथ ही नदी में गिरे मलबे को भी हटवाएंगे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे आरसी प्रसाद सिंह की। आरसी प्रसाद सिंह भारत के प्रसिद्ध कवि, कथाकार और एकांकीकार थे। छायावाद के तृतीय उत्थान के कवियों के महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित आरसी प्रसाद सिंह को जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है, बिहार के श्रेष्ठ जाता है। आरसी प्रसाद सिंह हिंदी और मैथिली भाषा के ऐसे प्रमुख हस्ताक्षर थे जिनकी रचनाओं को पढ़ना हमेशा ही दिलचस्प रहा है। इस महाकवि ने हिंदी साहित्य में बाल काव्य, कथा काव्य, महाकाव्य, गीत काव्य, रेडियो रूपक एवं कहानियों समेत कई रचनाएं हिंदी एवं मैथिली साहित्य को समर्पित की थी। आरसी बाबू साहित्य से जुड़े रहने के अतिरिक्त राजनीतिक रूप से भी जागरूक एवं निर्भीक रहे। उन्होंने अपनी लेखनी से नेताओं पर कटाक्ष करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। बिहार में मरीजों को भा रहा प्राइवेट अस्पताल, इतने लोगों ने कराया गोल्डन कार्ड से इलाज। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक जिले में चिन्हित लोगों में से 35% लोगों के आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं इनमें से करीब 50% लोग ऐसे हैं जो इस कार्ड की सहायता से अस्पतालों में मुफ्त में इलाज करवा चुके हैं, लेकिन आंकड़े के अनुसार इन 50% लोगों में से आधे से अधिक लोग वैसे हैं जिन्होंने अपना इलाज प्राइवेट अस्पतालों में करवाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 महीने बाद यानी कि फरवरी 2023 में इस योजना की शुरुआत किए 5 साल पूरे हो जाएंगे। वहीं अगर बात राजधानी पटना की करें तो यहां करीब 55,543 परिवार गरीब कार्ड के लिए सूचीबद्ध हैं, जिनमें से अब तक 39,965 परिवारों का ही कार्ड बनाया जा सका है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार बिहार में तैयार होने लगे कोविड वार्ड। एक तरफ जहां कोरोना के नए वेरिएंट BF7 वायरस से हड़कंप मचा है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि कोरोना को लेकर बिहार में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बुधवार को समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी अस्पतालों को यह साफ निर्देश दे दिया गया है कि वे अलर्ट रहें और कोविड वार्ड के निर्माण की तैयारी शुरू कर दें। वहीं निर्देश दिए जाने के बाद सबसे पहले इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में कोविड वार्ड भी तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत 15 बेड को कोविड पेशेंट के लिए रिजर्व कर दिया गया है। वहीं अभी निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया है वे जल्द से ले लें। गुरु गोविंद सिंह जयंती पर रेलवे का बड़ा तोहफा। पूर्व मध्य रेल की ओर से अधिसूचना जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 365वीं जयंती कार्यक्रम को देखते हुए इंडियन रेलवेज के द्वारा 21 दिसंबर से 4 जनवरी तक 20 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव 20 मिनट से ज्यादा पटना साहिब स्टेशनों पर करवाया जाएगा। इसको लेकर रेलवे के द्वारा ट्वीट भी की गई है, जिसमें सभी ट्रेनों की लिस्ट जारी है। बताया जा रहा है कि इस अवधि में दूसरे राज्यों से कुल 4 लाख लोगों के आने की संभावना है। वहीं इस जयंती को लेकर अगले 10 दिनों के लिए सुरक्षा के भी इंतजाम चाक चौबंद किए गए हैं। इतने लोगों को नहीं मिल पा रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। गरीब परिवारों को आवास मिल सके इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन वहीं कुछ परिवार अब भी ऐसे मौजूद हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। बता दें कि इन परिवारों को इसका लाभ न मिलने का कारण इनका नाम आवास प्लस ऐप पर न होना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में कुल 17,000 लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। हालांकि इसको लेकर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह दिक्कत सर्वर में आई तकनीकी खराबी की
की वजह से है जिसे सुधारा जा सकता है, पर राज्य सरकार अपने स्तर पर इसमें सुधार नहीं करवा सकती। बता दें कि राज्य की ओर से इसमें सुधार करवाने को लेकर केंद्र सरकार को 2 बार पत्र भी लिखा जा चुका है। बिहार के बद्री नारायण को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। बीते दिन गुरुवार को साहित्य अकादमी की ओर से घोषणा की गई कि वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 26 लोगों को दिया जाएगा, जिसमें हिंदी के लिए बद्री नारायण समेत 23 लोगों के नाम शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सूची में हिंदी के लिए जिस बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, वे मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। बता दें कि वे बिहार के भोजपुर जिले से आते हैं। यह पहली बार नहीं है जब उन्हें साहित्य से जुड़े किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हो। इससे पहले भी उन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। राजद के मनोज झा के आगे झुके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में एक चर्चा के दौरान बिहार के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी दी थी, जिसके बाद राजद सांसद मनोज झा ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर आपत्ति जताते हुए कहा था कि पीयूष गोयल को उनके इस टिप्पणी के लिए माफी मांगना चाहिए, जिसके बाद बीते दिन गुरुवार को संसद में पीयूष गोयल ने अपने बयान को वापस लेते हुए कहा कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा बिहार के लोगों को अपमान करने का कोई इरादा नहीं है। अगर इससे किसी के भावना को ठेस पहुंचती है तो मैं तुरंत अपने इस बयान को वापस लेता हूं। बिहार के कई जिलों में लगेगी इंडस्ट्री, तेजस्वी यादव ने दी जानकारी। बिहार में उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके इसके लिए सरकार की ओर से कई कोशिशें की जा रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार अब राज्य में इंडस्ट्री लगाने की तैयारी कर रही है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी गई कि यह इंडस्ट्री चिनपटिया मॉडल की तरह होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में चल रही कोचिंग को भी उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से कई पॉलिसी बनाई जा रही है। जल्द ही बिहार में कोचिंग विलेज के लिए लैंड तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार में जल्द ही 3-5 स्टार होटल का निर्माण करवाया जाएगा। दूसरे टेस्ट मैच के लिए पहले दिन भारत ने बांग्लादेश को 227 रन पर समेटा। बीते दिन भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच शेर ए बांग्ला स्टेडियम में खेला गया, जहां बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और पहली पारी में कुल 227 रन बनाए। बांग्लादेश की ओर से सबसे अधिक 84 रन की पारी मोमिनुल हक के द्वारा खेली गई। वहीं भारत की ओर से बांग्लादेश की पहली पारी में उमेश यादव और अश्विन ने 4-4 जबकि उनादकट ने 2 विकेट अपने नाम किए, जिसके बाद भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में बांग्लादेश के 227 रनों का पीछा करते हुए बिना विकेट खोए 19 रन बनाए। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1894 में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में पूस मेले का उद्घाटन किया। विश्व भारती विश्वविद्यालय का 1921 में उद्घाटन हुआ। बीबीसी रेडियो ने 1922 में दैनिक समाचार प्रसारण शुरू किया। मौसम संबंधी देश के पहले रॉकेट मेनका का 1968 में सफल प्रक्षेपण हुआ। चांद पर से लाए गए पत्थरों को 1969 में राजधानी में आयोजित एक प्रदर्शनी में रखा गया। सर शिवासागर रामगुलाम द्वारा मॉरिसस में 1976 में मिली जुली सरकार का गठन किया गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम 2000 में आधिकारिक तौर बदलकर कोलकाता किया गया। हरियाणा के मंडी डाबवाली इलाके में स्थित एक स्कूल में 1995 में कार्यक्रम के दौरान आग लगने से 360 लोगों की मौत हुई। भारतीय राजनीतिज्ञ जाने माने अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता राज बिहारी घोष का 1845 में जन्म हुआ। भारत के 5वें प्रधानमंत्री जो किसानों की आवाज बुलंद करने वाले प्रखर नेता चौधरी चरण सिंह का 1902 में जन्म हुआ। भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार कहानीकार निबंधकार नाटककार क्रांतिकारी पत्रकार और संपादक राम वृक्ष बेनीपुरी का 1899 में जन्म हुआ। आज ही के दिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे कोविड-19 के बारे में। कोविड के इस डर के बीच एक वायरल व्हाट्सएप मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि ओमिक्रॉन का नया खोजा गया XBB सब वेरिएंट 5 गुना अधिक घातक है और डेल्टा वेरिएंट की तुलना में इसकी मृत्यु दर अधिक है। इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि इसके लक्षण अन्य सब वेरिएंट से काफी अलग है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस व्हाट्सएप मैसेज को फर्जी और भ्रामक बताया है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे इस पर विश्वास न करें और न ही इसे आगे बढ़ाएं।
व्हाट्सएप से भेजे पैसे फॉलो करें यह आसान तरीका। कभी कभी गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे यूपीआई एप्स काम नहीं करते, ऐसे में आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर पैसे भेज सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने एंड्रॉइड या आईओएस स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप ऐप खोलना होगा। अब आप जिस व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं उसकी चैट खोले, इसके ऊपरी दाएं कोने पर तीन बिंदुओं पर टैप करके पेमेंट पर टैप करें। अब ऐड योर पेमेंट मेथड पर टैप करें और फिर ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करें। इसके बाद उस बैंक का चयन करें जिसमें आपका बचत खाता है। अब अपना बैंक अकाउंट डिटेल जोड़ें। अब व्हाट्सएप को एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से पैसे भेजने और पाने की अनुमति दे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपका बैंक व्हाट्सएप के माध्यम से यूपीआई भुगतान करने के लिए तैयार हो चुका है। इसके बाद उस संपर्क की चैट खोले जिसे आप पैसे भेजना चाहते हैं या तीन डॉट बटन से सीधे पेमेंट्स खोले। यहाँ एक नंबर या क्यूआर कोड का उपयोग करके भुगतान का विकल्प चुने। अब वह अमाउंट दर्ज करें जो आप भेजना चाहते हैं। रजिस्टर्ड बैंक के लिए अपना यूपीआई पिन सेट दर्ज करें और सेंड पेमेंट पर क्लिक करें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नीलम शर्मा, रविंद्र पासवान, पूजा कुमारी, रामशंकर सिंह, कन्हैया कुमार, कुलदीप कुमार, राजकुमार प्रसाद, मुटु रंगीला, राजकुमार प्रसाद, नन्नू गोलू कुमार, भान प्रकाश मौर्य, मुन्ना कुमार राज, वेद प्रकाश सिंह, रोशन कुमार, जितेंद्र रविदास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आपके क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों की स्थिति कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।